और लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उनका मुकाबला मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से होगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे उम्मीदवार हैं, जिससे इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में छठवें चरण के तहत 12 मई को मतदान होना है और ये नामांकन दाखिल किया है शीला दीक्षित, जो कि लंबे समय तक दिल्ली की कुर्सी पर काबिज रही। 3 बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही और मुख्यमंत्री उस वक्त शीला दीक्षित, और अब उन्होंने पर्चा दाखिल किया अपना। मुकाबला इस बार इस सीट पर भी बहुत त्रिकोणीय नजर आ रहा है, क्योंकि दो बड़े दिग्गज हैं इस सीट पर आमने सामने हैं। एक तरफ शीला दीक्षित उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी के मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे, तो मुकाबला त्रिकोणीय इस बार नजर आ रहा है इस सीट से। शीला दीक्षित बेहद अनुभवी हैं कांग्रेस पार्टी से, मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी की, राजनीति का अच्छा तजुर्बा है उनको। और वहीं उनके सामने हैं भारतीय जनता पार्टी से मनोज तिवारी। तो मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और दिलीप पांडे भी मुकाबले में आ गए हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये त्रिकोणीय लड़ाई में कौन जीतता है। फिलहाल पर्चा दाखिल किया आज शीला दीक्षित ने, उसी वक्त की ये तस्वीरें।